मेरे हिसाब से यही है वो शीशे वाली मस्जिद जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस दिन। बट मसला ये तो बंद है भाई, इसमें तो जा नहीं सकते हम। ये हमको नाम बता रहे मस्जिद का क्या है? ये दरवाजा देखो खुला है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मस्जिद के अंदर वीडियो बनाना क्या सही है या नहीं? पीछे दलील दिख गया। शुक्रिया। सुबह सुबह मांग रहा है मुझसे तू? देखो और ये हम ऊपर कोर्ट की ओर बढ़ते हुए, आगे सामने कोहरा ही कोहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम मौसम साफ है। अरे ये पूरे साल भर कंस्ट्रक्शन चलेगा क्या? और ये हम चुंगी की तरफ आ गए हैं, चुंगी पर ही आ गए, चुंगी अब हम छोड़ भी चुके हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और ये सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है दोस्तों। ये रास्ता जाता है ऊपर कोट की तरफ, ये रास्ता जाता है। इधर से जाएंगे शायद उधर उसकी तरफ, जो मुझे पता नहीं। इस तरफ जाएंगे ऊपर कोट की तरफ, मैं जानता हूँ। अरे शोर मचा रही है ट्रेन ने। अरे कमबख्त मारी, खत्म क्यों नहीं हो रही? खत्म हो गई। आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं, इतना खूबसूरत व्यू है और सुबह की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वरना दिन में तो इतना क्योस रहता है यहाँ पे। जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं अपर कोर्ट की तरफ, वो 1 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे, मतलब कि अलीगढ़ जो नॉर्मल है उसकी जो हाइट है वो नीचे की तरफ। अपर कोर्ट जो उसका नाम ही अपर कोर्ट है, तो वो ऊंचा है बहुत, उसका अल्टीट्यूड जो है वो 800-900 मीटर ऊंचा ही होगा। ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा ही। क्या देखा तुमने अलीगढ़ में आगे? अपर कोर्ट नहीं देखा तुमने? मैंने बड़ी शराफत से अपनी पूरी जिंदगी बसर की अलीगढ़ में, 3 साल की जिंदगी में ऐसे आंख उठा के कुछ भी नहीं देखा मैंने। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। और ये हम एक नए शहर में एंटर करते हुए, अलग शहर है, पूरा अलग है। जाना है मुझे। चलो अल्लाह का नाम लेके मैं सही जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, रोटी नरम है, उम्फो। राते काट रही। वैसे मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, बट ये देख के ना ऐसा मूवीज वगैरह में देखा दिल्ली, तो ये गली ऐसा लग रहा है कौन सा वो चावड़ नहीं करोल बाग उस टाइप का ऐसा एरिया लग रहा है, ऐसा डेंस टाइप का एरिया ना, हर जो है नजदीक नजदीक है। चावड़ी बाजार करके भी कोई जगह है शायद, आई डोंट नो। ऊपर कोट का रास्ता सीधे मिलेगी आगे। या अल्लाह ये कौन सी बाजार में आ गए हम लोग? ये पूरा सब्जी मंडी है इधर। आपको लग रहा है रास्ता ऊपर जा रहा है? आर यू डैम शो एन खान इज डैम एन खान वाला शो सामने जी। शुक्रिया जी। जी नक्शा नहीं है, वीडियो बन रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क। गाइस मेरे हिसाब से यही है वो शीशे वाली मस्जिद जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस दिन। मसला ये तो बंद है भाई, इसमें तो जा नहीं सकते हम लोग, इसमें तो जा नहीं सकते अशरफ हम। अगर कोई इस शीशे वाली मस्जिद में रहता है, मेरा व्लॉग देखता है, तो भाई हमें टाइमिंग बता दो कब ये खुलती है, तो हम आ जाएंगे उस वक्त। अभी हम जा रहे हैं ऊपर कोट वाली मस्जिद, जो जिसका KBC में भी जिक्र आया हुआ था, जहाँ पे सोने की चढ़ाई की गई है, फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ है। चलो आक्रमण, अबे गिरा मत दियो। बहुत दिनों बाद आया हूं अरेबियन, बिना पासपोर्ट वीजा के हम लोग अरब में आ गए। Finally, we are here. इसका क्या नाम है? और ये गली क्रिकेट चल रहा है? हमको तुम इसका नाम बताओ पहले। अस्सलाम वालेकुम। ये हमको नाम बता रही है मस्जिद का क्या है? ये अलीगढ़ की जामा मस्जिद। अच्छा इसका भी नाम जामा मस्जिद है। Now it's time to explore the mosque from inside. I'm very excited. वो अंदर अंकल बोल रहे थे कि अंदर पता नहीं कितना सोना होना लगा हुआ इसमें। अरे आ जाओ, दरवाजा तो बंद है। चलो जल्दी से जाएंगे। ये दरवाजा देखो खुला है, खुलना। We need to remove the socks and shoes before we gonna enter inside the mosque. आओ ठीक है जी। किधर रखें? किधर? ए फोन बाद में चलाइयो। यार ये तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेडीज लोगों का दर्स हो रहा है उधर, घर से हदीस वगैरह होगा। What you gonna do here man? यही चुल्ल मची थी तुमको मुंह धुलने का, इसीलिए तुम्हारे घर वाले भेजे थे, मेरा बच्चा जाएगा AMU में पढ़ाई लिखाई करेगा, तुम मुंह धुल लेगा के पानी में। अल्लाह की नेमत है, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक वी शुड नॉट डिस्टर्ब द पीपल इनसाइड द मॉस्क। ओके बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स वो पूछते हैं कि मस्जिद के अंदर वीडियो बनाना क्या सही है या नहीं है। इस मामले में मैंने इस्तेहाद किया हुआ है, कोई मुझे पता नहीं है बहुत सही से। यहीं पे आज क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ। जब हम लोग हदीस पढ़ते हैं या फिर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पता चलता है सहाबा लोग जो है बहुत सारी चीजें जो दुनिया के मसले छोड़ मतलब दीन से रिलेटेड रहती थी, वो सारे डिस्कशंस और काम जो है मस्जिद के अंदर करते थे। जंग के वक्त में हॉस्पिटलाइज जो लोग होते होते थे उनको भी मस्जिद के अंदर रखा जाता था। फिर ईद के वक्त में मस्जिद के अंदर जो है अबिसिनिया के जो गुलाम रहते थे वो डांस करते थे। ये सब चीजें
चीजें भी होती थी। उससे पता चला मस्जिद के अंदर अलाउड है बट सर्टेन एक्टिविटीज और वो फाउंडेशन में लिमिट में हो, लिमिट क्रॉस ना हो। तो वहां से मैंने प्ली लिया हुआ है, बाकी बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता। ए भाई इसमें सोना कहाँ लगा हुआ है, सोना हमको दिखाओ ना। वो है इस मस्जिद पे बोलते हैं लोगों के ऊपर जो है टन में सोना लगा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने पूछा होता केबीसी में कौन सा ऐसा शहर जिस शहर में वो मस्जिद है जिस मस्जिद में टनों के हिसाब से सोना लगा हुआ है, तो वो मस्जिद यही है। उसका नाम है जामा मस्जिद, कॉमन सा नेम है। जो हॉस्टल में मस्जिद उसका भी नाम जामा मस्जिद है। घर से हम लोग आए थे, ये एग्जिट गेट है क्या? उधर से आया ना शायद, उधर से है, उधर जूते रखे थे। तो ये भी सेम ऐसे ही गेट है जहाँ से एंटर हुए थे। लेट मी चेक व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस गेट। ओम फो, ये तो वो मूवी वाला सीन हो गया, पीछे आइलैंड आगे रिजॉर्ट। कौन भाई तुम? मेरे हिसाब से एग्जिट का गेट है, मतलब दो रास्ते हैं इधर। इसको हम बंद कर देते हैं। बाप रे बड़ा भारी है भाई, अंग्रेजों के जमाने का दरवाजा। हमको लग रहा है थंबनेल के लिए हमको फोटो यहीं से लेना चाहिए था। एक मिनट, हम ले लेते हैं वीडियो ही, डायरेक्ट थंबनेल में लगा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरी मिन्नत पूरी हो गई, मेरी उर्दू बर्बाद है। पहली ख्वाहिश थी इस मस्जिद पर आने की, हम आ गए फाइनली, और बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का जो उसने मुझे तौफीक दी इस मस्जिद पर आने की, व्लॉग करने की। हम मर जाएंगे, ये व्लॉग रहेगा, आप लोग देखकर खुश होइएगा। और इसी बात पे हमारे व्लॉग को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग निकलते हैं, ठीक, हमें डाइनिंग में जाके करनी है, चलते हैं। सलाम, हम इसमें कभी आएंगे नमाज के वक्त, जोहर या असर या मगरिब इशा के वक्त, ओके? इंशाल्लाह एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड ऑफर सलाह हियर। दरवाजा बंद कर दिया जाए, बहुत भारी दरवाजा है। बंद हो जा सिम, बंद हो गया। सुबह नहीं शाम हो रही है ऐसा लग रहा है। हम निकल लेते पूरा एक्सप्लोर करके मस्जिद, पीछे दलीम दिख गया हमें, अब उसको खा लेते हैं। Try to understand, मैं नहीं खा पाऊंगा उनको। ओके ओके, I'll have okay. I won't offer you. बिस्मिल्लाह, अच्छी है। चलो भाई चलिए चलते हैं, अच्छा लगा आपसे, मजलिस बर्खास्त की जाए। बस यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आते वक्त तो लिया हुआ है नहीं मोहल्लों का, जाते वक्त भी क्या लेना, फिर से मोनोटोनस हो जाएगा। खलास, फिनिश। और ये हम कैंपस के अंदर घुसते हुए जा रहे हैं अपने हॉस्टल। हॉस्टल 10 पे चला रही है तू, तेसला कार का फेंक देंगे गंगा में तुमको। इतना मेहनत, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। शाम वाला इनका शिफ्ट नहीं है, थोड़ा ज्यादा तारीफ में कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। मुझे लगता है मुझे अपने ब्लॉग में यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने आसपास लोगों को दिखाइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे जो है उसका यूजर नेम दिख रहा होगा, जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, 6000 पूरे करवा दीजिए। मिलते हैं व्लॉग में, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, आजकल सुधार रहा हूं मैं अपने सलाम को। चले कुरैशी, फकीर आदमी भाग जा सुबह सुबह भीख मांगने का। दे रहा हूं तुझे मैं अपना दिल ले, वो तो किसी और को मैं दूंगा ना।